इफ एक्स इक्वल टू 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1x² का होल स्क्वायर। ठीक है, x का वैल्यू है 2 + √3, तो x इक्वल टू है 2 + √3। अब हम लोग फाइंड करेंगे 1/x, तो 1/x इक्वल टू होगा 1/2 + √3। इसको रैशनलाइज करते हैं तो 1/x इक्वल टू होगा 1/2 + √3 है, रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका बनेगा 2 - √3, तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो 1/x इक्वल टू होगा, ऊपर में तो 2 - √3 लिख देंगे, a + b * a - b, डिनोमेटर में होगा a² - b² है ना, तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर ये होगा। तो 1/x इक्वल टू अब आएगा, ऊपर में 2 - √3 है, नीचे होगा 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, 1। 1/x इक्वल टू आ गया 2 - √3, और डिवाइड 1 नहीं लिखेंगे, तो 1/x का वैल्यू आ गया 2 - √3 और x का वैल्यू है 2 + √3। ठीक है, तो हम लोग अब लिखते हैं x + 1/x का वैल्यू, x + 1/x का वैल्यू लिखते हैं, x + 1/x ये होगा 2 + √3 x का वैल्यू है, अब प्लस 2 - √3 है 1/x का वैल्यू, तो +√3 - √3 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 4, 4 बचा, तो x + 1/x का वैल्यू 4 आ गया। हम लोग को फाइंड करना है x² + 1/x² पहले, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा x² + 1/x² + 2ab, तो 2 × x × 1/x, ये तो 2 बचा, इधर हो गया 16। ठीक है, तो x² + 1/x² का जो वैल्यू है वो होगा 16 - 2 = 14। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, x² + 1/x² का होल स्क्वायर का वैल्यू ना, तो यहाँ तक फाइंड करने के बाद इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देंगे, मतलब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर अगर करते हैं, ये होता है 14 का होल स्क्वायर, तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो, ये होता है 196। तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया 196। यहाँ लिख देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मीन्स 196। ओके,